हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। हम लास्ट क्लास में हमने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर था वो स्टार्ट करा था, उसकी हमने थियरी कर ली थी, है ना। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको स्टडी करा था, और स्टडी करके हमने देखा था कि कहाँ पे कंटिन्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं, है ना। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी थी, हमने अल्जेब्रिक फंक्शन की बात करी थी, उसके अलावा स्पेशल टाइप के फंक्शन जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना, मॉडुलस फंक्शंस, इन सब की बात करी थी। आज हम क्वेश्चंस लेते हैं वन बाय वन, है ना। उन जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मेथड ऑफ एच अप्लाई करते हैं, मेथड ऑफ एच जो हमने कहाँ सीखा था, क्लास इलेवेंथ में, चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ओके, तो वो हम एक एक करके सीखते हैं। तो बेटा देखो, जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में रख रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x = 3। आपको ऐसा बोल रखा है कि x = 3 पे आप चेक करो कि ये जो फंक्शन हमने राइट डाउन किया है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसके बारे में आपको फाइनलाइज करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, हम जब एल्जेब्रिक फंक्शन कर रहे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो x बिलोंग्स टू r सबके लिए क्या होता है, सबके लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। आप r की कोई भी वैल्यू ले लो, आर मतलब रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले लो आप एक्स की, हमेशा ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब इसको सॉल्व करके कैसे दिखाना है, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी, तो वो देखो। हमारे लिए जो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, जैसे 3 पे चेक कर रहे तो 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 3। ये जो सारी वैल्यूज है, ये सारी की सारी वैल्यूज अगर इक्वल हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा, जो फंक्शन है हमारा एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये तीनों चीजें होनी चाहिए प्रूफ, सही बात है। तो अब देखो, इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, और इसको फंक्शन की वैल्यू एक तरह से सी पे अगर चेक कर रहे तो एफ सी की वैल्यू है ये 3, है ना, एफ 3 की वैल्यू है। अब देखते हैं वैल्यू, सबसे पहले तो देखो f3 की वैल्यू निकाल लिया करो, बहुत इजी होती है। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसे आएगी, 2 × 3² - 1, सही बात है, 3² 9 हो गया, 9 × 2 18 हो गया, 18 - 1 17 हो गया, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 17 आ गई। अब चेक करना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिख दो LHL, LHL क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2x² - 1, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि अगर लिमिट की वैल्यू पुट करने पे कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रही, क्लास इलेवंथ में हमने सीखा था कि अगर कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रही तो आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है बेटा। डायरेक्टली पुट कर देते हैं, डायरेक्टली पुट करते तो देखो क्या मिलता है, 2 × 3² - 1, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, 17 मिलेगा। RHL की वैल्यू देखते हैं, RHL की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इस बार 3 पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है 2x² - 1, ठीक है। देखो 3 वैल्यू पुट करने पे कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही तो डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्टली पुट कर लिया तो 2 × 3² - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 17। तो देखो क्या तीनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी, 17, 17 एंड 17। जैसे ही तीनों वैल्यूज इक्वल आई तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो फंक्शन है हमारा दिया हुआ है वो x = 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में एक क्वेश्चन नंबर, हम थर्ड के पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2-3 पार्ट हैं, है ना, तो 2 पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी के 2 पार्ट आप कर सकते हो, वो बहुत इजी है। तो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एक तो पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका, कौन सा वाला, थर्ड का एक तो पार्ट सी ले रहा हूँ। सी पार्ट क्या बोल रहा है इसका, कि x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5 और एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -5। और एक डी पार्ट ले लेते हैं, डी पार्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस, ये दोनों पार्ट दे रखे हैं। देखो सबसे पहले तो ये पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म का है ना। हमने रैशनल फंक्शन के बारे में बात करी थी कि रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, डिवाइडेड उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ बन रहा है, -5 पे बन रहा है, ऑलरेडी आप -5 हटा चुके हो डोमेन से, यहाँ बोल रखा ना आपको एक्स आप -5 नहीं ले सकते, -5 पे तो हमें पता है क्या ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन आप -5 ले ही नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। और इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, वही आपको भाई, आप सबसे पहली बात तो ये देखना कि आपका फंक्शन जहाँ पे जीरो बन रहा है या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि अनडिफाइंड बन सकता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ सकती है, तो वो हमेशा वही वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है मतलब देखो, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी, 5 से बड़ी वैल्यू पे कुछ अलग डेफिनेशन में जाएगा और छोटी वैल्यू पे अलग डेफिनेशन देगा। ऐसे ही यहाँ पे भी फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, -5 पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉसिबिलिटी थी कि ये वैल्यू क्या दे दे मुझे, अनडिफाइंड वैल्यू दे दे, लेकिन हमें ऑलरेडी इसको -5 को बाहर रख के हमने क्या बना दिया, इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना दिया। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व वही सेम मेथड लगाना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 नेगेटिव एफ एक्स, ये इक्वल आ जाए किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 -5 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस का 5। ठीक है, अब क्या एफ ऑफ -5 तो मैं ले ही नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी LHL और RHL लिमिट चेक करूंगा। ठीक है, -5 तो मेरा डोमेन में है ही नहीं। तो अब देखो 5 नेगेटिव के लिए मैं देखता हूँ, तो 5 नेगेटिव के लिए अगर मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करा एफ एक्स को, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 5, क्या ये कटआउट हो गया डायरेक्टली, और मेरे पास एफ एक्स क्या बच गया, एक्स माइनस 5। देखो ये हमने कटआउट कर दिया, लेकिन हमें पता है -5 इसका रूट था, -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो हम ऑलरेडी ले नहीं पा रहे, तो उसको हमने एक्सक्लूड ही कर दिया। एफ एक्स हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस 5 आया। अब एक्स माइनस 5 आप वैल्यू डाल के देख लो, यहाँ पे एक्स माइनस 5 के लिए इसको सोल्व करके देख लो चाहे, तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 नेगेटिव एक्स माइनस 5, और एक आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 पॉजिटिव एक्स माइनस 5। डायरेक्टली वैल्यू आप पुट कर सकते हो, और मेथड ऑफ एच क्या बोलता है, यही सेम, ये क्या कैसे चेंज हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह -5 माइनस एच और माइनस का 5, यहाँ क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह -5 प्लस एच माइनस का 5। देखो क्या ये कटआउट हो गया या ऐड हो गया, -5 और -5 कितना बन गया, माइनस का 10 बन गया। इधर देखो -5 और -5 इधर क्या बन गया, माइनस का 10 बन गया, एच की वैल्यू हम 0 पुट कर चुके हैं। LHL और RHL इक्वल आई है, देख लो। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देख लो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। जब भी मॉड वाले क्वेश्चन हो ना, आपको एक काम करना है, इसको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन कैसे, आपको पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो मैं एफ एक्स को वापस लिखूंगा, एफ एक्स को वापस लिखूंगा किस फॉर्म में, देखो मेरे को पता है मॉड कहाँ वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है, 5 के इधर और 5 के उधर, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं, मेरे को क्या चाहिए, एक्स माइनस 5 हमेशा 0 से बड़ा चाहिए, तो कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे हुआ, 5 पे हुआ फंक्शन ब्रेक, तो एक तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। देखो 5 या 5 से बड़ी हो तो डायरेक्टली मैं मॉड हटा दूं और आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 5। सेकेंड केस, अगर एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो गई, 5 से छोटी हो गई, तो मेरे को मॉड का क्या आंसर मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, तो ये ओपन करने पे क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मेरे डेफिनेशन क्या हो गई, 5 माइनस एक्स। अब मुझे चेक करना है इसको कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, किस पे चेक करूंगा, जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, कौन से पॉइंट पे पॉइंट चेंज हो रही है डेफिनेशन, 5 पे, 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 पे चेक करने के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स और एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, ये LHL हो गई, ये RHL हो गई। अब देखो 5 नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा फॉलो होगा, 5 नेगेटिव पे क्या ये वाला 5 माइनस एक्स फॉलो होगा, तो मैंने एफ एक्स की जगह रख दिया 5 माइनस। बात करते हैं यहाँ की, यहाँ देख लो 5 पॉजिटिव पे कौन सा वाला फंक्शन फॉलो होगा, ऊपर वाला एक्स माइनस 5 फॉलो होगा, एक्स माइनस 5 रख, ठीक है। इसके बाद में मेथड ऑफ एच लगाना है, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू हो गया 0 और 5 माइनस एक्स की जगह क्या हो गया, 5 माइनस का एच। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एच टेंड्स टू तो हो गया 0 और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 5 प्लस एच माइनस का 5। देखो यहाँ से क्या 5 और 5 कट गया, आंसर क्या आ गया, एच। यहाँ से भी 5 और 5 कट गया, आंसर क्या आया, एच। और लिमिट क्या है, एच टेंड्स टू 0, इधर भी लिमिट क्या है, एच टेंड्स टू 0, आंसर क्या आ गया, इधर भी से भी 0 उधर से भी 0।
फिर एक और बात, हम 5 पे वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 5 क्या आ रहा है, f ऑफ 5 वैल्यू देख लो, 5 वैल्यू इसको फॉलो करेगा, 5-5 वैल्यू क्या आ रही है f ऑफ 5 पे, 0। तो तीनों जगह से वैल्यू हमारे पास क्या आई, सेम आई, क्या आई, 0 आई। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5। तो ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 3 की कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से सॉल्व हो। अब देखो हमारे पास जो 6 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है, 6 से लेके 12 तक के क्वेश्चन है, ये पार्शियली डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है इनको, ये इनकी डेफिनेशन हर पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो हम जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 6-10 में, सबसे पहले तो 7th लेते हैं, 7th थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना। बाकी देखो ये वाले क्वेश्चन आपने समझ लिए तो बाकी वाले क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एफ एक्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स प्लस 3 दे रखा है, इफ एक्स इज लेस देन -3 इक्वल टू का साइन भी है, माइनस का 2x होगा इफ जो x है -3 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, फिर 6x प्लस 2 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है बेटा जी, ये दे रखा 6x प्लस 2 -2x और मॉड ऑफ x प्लस 3। अब एक बात सोचो ध्यान, मैंने पहले भी बोला है जब भी मॉड दिख जाए, मॉड दिखते ही फंक्शन को क्या करना है, रीडिफाइन करना है, रीडिफाइन कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, fx को वापस लिख रहा हूँ, आप सोचो x की वैल्यू अगर -3 से छोटी है, है ना, या फिर -3 के इक्वल है, तो जब भी x की वैल्यू -3 या -3 से छोटी डालूंगा मैं, तो मेरे को x को कैसे ओपन करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ x से ही ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, 3-x, एक तरह से -x+3 होगा ये, है ना, तो उसको 3-x लिख दिया इफ x इज लेस देन -3, और यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड है नहीं, तो माइनस का 2x और ये हो जाएगा 6x+2, एज इट इज लिख दो, -3 से लेके 3 के बीच में ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, या तो -3 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, तो -3 और 3 दोनों पे चेक करना है आपको कंटिन्यूटी, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। -3 पे चेक करने का क्या तरीका है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 नेगेटिव, अब -3 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन फॉलो होगा, ये वाला 3-x, मैंने रख दिया 3-x, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन फॉलो होगा, मतलब -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या इसमें आ जाएगा, ये वाला फंक्शन फॉलो होगा, तो -2x, और -3 पे वैल्यू क्या होगी, देखो -3 पे कौन सा फॉलो होगा, ये वाला फॉलो होगा, और -3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3+3 6 हो जाएगी। तो f ऑफ -3 पे वैल्यू क्या आ रही है मेरी, f ऑफ -3 पे मेरी वैल्यू आ रही है 6, जस्ट अ सेकंड 6। अब देखो LHL की बात करता हूँ, मेथड ऑफ h लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस x की जगह, x की जगह क्या रखूंगा, -3 -h, यहाँ पे भी सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x की जगह, -3 +h रखूँ, ठीक है। मेथड ऑफ h यही बोलता है कि अगर h -3 नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो -3 से छोटा सा छोटा नंबर, h क्या है मेरा, वेरी स्मॉल नंबर मतलब 0.00001, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, आपका h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, एच आर को ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि मैं दिखाई नहीं सकता। अगर आपको एक सर्टेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो कुछ ऐसा है, एच ऐसी छोटी सी क्वांटिटी में अगर माइनस कर देता हूँ तो -3 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाएगा, और -3 में ऐसी क्वांटिटी कुछ ऐड कर देता हूँ तो -3 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, देखो क्या कट गया, ये तो ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया,
लिमिट एंस टेंड्स टू जीरो, ये हो गया सिक्स प्लस का एच। यहाँ क्या हो गया, लिमिट एंस टेंड्स टू जीरो, इसको ओपन करा तो ये हो गया क्या सिक्स और माइनस का टू एच। अब देखो एच की वैल्यू जीरो पुट करने पे कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, तो डायरेक्टली पुट कर दो, आंसर क्या आया सिक्स। यहाँ पे भी कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, आंसर क्या आया सिक्स। तो ये तीनों के तीनों आंसर्स क्या मैच हो गए, तीनों के तीनों आंसर्स मैच हो गए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू माइनस थ्री पे ये क्या है कंटिन्यूस, सही बात है। ऐसे ही सेम ऐसे ही आप क्या कर लोगे, किसके लिए चेक करना है आपको, थ्री के लिए, तो थ्री के लिए चेक करते हैं एक बार, थ्री के लिए चेक करते हैं, तो थ्री के लिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड बेटा, ओ अब इसको पहले जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट करने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं थ्री के लिए चेक करना। एक बार कलर चेंज कर देते हैं, हमें चेक किसके लिए करना है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री के लिए चेक करना है। थ्री के लिए कैसे चेक करना भाई, एल एच एल आर एच एल और एफ एक्स पे वैल्यू, तो देखो एल एच एल चेक करना है, आर एच एल चेक करना है और एफ ऑफ थ्री चेक करना है। तो एल एच एल के लिए हमें पता है क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव एफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव एफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ थ्री। तो देखो ध्यान से, थ्री नेगेटिव, थ्री नेगेटिव कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, थ्री नेगेटिव, थ्री नेगेटिव क्या ये वाली माइनस टू एक्स फॉलो होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का टू एक्स। फिर थ्री पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव पे थ्री ग्रेटर देन थ्री वाली वैल्यू कौन सा फॉलो होगा, सिक्स एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा सिक्स एक्स प्लस टू। फिर एफ ऑफ थ्री पे कौन सी वैल्यू होगी, इक्वल टू का साइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये लास्ट वाला फॉलो होगा सिक्स एक्स प्लस टू, तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स की वैल्यू थ्री प्लस का टू, ये हो जाएगा। तो सिक्स थ्री जा एटीन प्लस टू ट्वेंटी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्वेंटी। इन दोनों पे चेक करते हैं, इन दोनों पे चेक करा तो वही मेथड ऑफ एच लगाना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो गई, माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, माइनस का एच है क्या बेटा, कोई दिक्कत इसमें। फिर इधर लिमिट एच टेंड्स टू तो हो गया जीरो, सिक्स इंटू थ्री प्लस एच प्लस टू, कोई दिक्कत, करेक्ट वैल्यू पुट कर ली मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या बन गया माइनस का सिक्स और प्लस का टू एच। यहाँ देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये बन गया एटीन प्लस का सिक्स एच प्लस का टू। अब एच की वैल्यू जैसे मैं जीरो पुट करता हूँ, यहाँ से मेरे पास आंसर आता है माइनस का सिक्स, यहाँ से मेरे पास आंसर आता है प्लस का ट्वेंटी और यहाँ ऑलरेडी ट्वेंटी। तो देखो क्या तीनों वैल्यू इक्वल है क्या, मेरी एल एच एल इक्वल नहीं हो रही, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू थ्री पे तो इक्वल हो रही है ट्वेंटी, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री। बात समझ में आ गई, नॉट कंटिन्यूस का एग्जांपल भी आ गया, अभी तक कंटिन्यूस के एग्जांपल आए जा रहे थे, तो ये हो गया नॉट कंटिन्यूस का एग्जांपल। आ गई बेटा बात समझ में, इस तरह से हमें इसको डिफाइन करना है। अब देखो और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये एक बार आप आराम से नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल। उसके अलावा देखो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, जो मोड वाले, ये इजीली कर लेते हो, हमने जो थ्री स्टेप डिफाइन फंक्शन था उसके लिए हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दे रखा है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू अगर दो या दो से छोटी है, यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू दो से बड़ी है, ये इस तरह से हमारे पास फंक्शन को डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अब हमें फर्स्ट काम क्या करना है, चेक करना है, कहाँ पे चेक कर देंगे, टू पे चेक करेंगे, क्योंकि टू पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो लेट्स चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू पे चेक करना। टू पे चेक करने के लिए भाई एक तो एल एच एल चेक करूंगा, आर एच एल चेक करूंगा, एक एफ ऑफ टू चेक करूंगा, ये तीनों चीजें चेक करते हैं। एल एच एल चेक करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स और टू नेगेटिव एफ एक्स पे कौन सा फॉलो हो रहा है, क्या ऊपर वाला हो रहा है, सही बात है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री।
फिर RHL की बात हो रही है, RHL पे कौन सा फॉलो हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, और fx पे 2 पॉजिटिव पे कौन सा वाला fx फॉलो हो रहा है, नीचे वाला, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। फिर f ऑफ 2 पे इक्वल टू का साइन क्या लगाया, ऊपर लगाया, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब माइनस का 3। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 3 5 आ रहा है। देखते हैं बाकी दोनों वैल्यू 5 आती है क्या, अगर दोनों वैल्यू बाकी की भी 5 आती है तो हम बोल देंगे कंटिन्यूस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस है। तो इसमें देखो 2 नेगेटिव, वही एच वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिमिट हो गया एच टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो अगर एच की वैल्यू 0 पुट करने पे कुछ अलग से नहीं बन रहा तो डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्टली पुट करा 2 का क्यूब माइनस 3, आंसर क्या है 5। फिर यहाँ पे भी एच की वैल्यू डायरेक्टली पुट करी मैंने, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, अनडिफाइंड फॉर्म तो डायरेक्टली पुट करी, तो यह क्या गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 5। तो हमें क्या पता चला कि ये 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि 5 5 और 5 तीनों जगह से हमें 5 मिल गया, तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन। तो नीचे हम क्या लिख देंगे कि एज दीज ऑल थ्री आर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 11। अब 11 के बाद में हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं श्रिंक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, fx इक्वल टू ये भी पार्शियली डिफाइंड फंक्शन है, x की पावर 10 माइनस 1 और x स्क्वायर, अगर x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन, इस तरह से पार्शियली डिफाइन किया हुआ। अब आपको क्या बोला हुआ है, वही 1 पे चेक करना है, आपको 1 पे चेक करना है। देखो 1 के मैं 1 पे ही क्यों चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वहीं पे चेक करना है, क्योंकि उसके अलावा तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा ही होगा, है ना। तो हम कहाँ चेक करें, जहाँ पे इसके फंक्शन डेफिनेशन अलग अलग डिफाइन हो रखी ना, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए तो x की पावर 10 माइनस 1 को फॉलो करना है, और x की वैल्यू जैसे ही 1 से बढ़िया गई तो x स्क्वायर को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब मैं एक बार 1 पे चेक कर, 1 पे चेक करने का क्या मेथड होगा, वही हमें सबसे पहले LHL चेक करना है, RHL चेक करना है और f ऑफ 1 चेक करना है। LHL के लिए हमें पता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, अब 1 नेगेटिव fx मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो x की पावर 10 माइनस 1 फॉलो होगा। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, अब 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, देखो डेफिनेशन ये वाली फॉलो होगी या ये वाली, बिल्कुल ये x स्क्वायर वाली फॉलो होगी, हमने लिख दिया x स्क्वायर। फिर हमें f ऑफ 1 पे वैल्यू चाहिए, इक्वल टू का साइन ऊपर वाले फंक्शन पे लगाए, तो यहाँ पे डालूंगा मैं वैल्यू 1, 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 क्या होती है 1 ही होती है, और 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 की पावर 10 माइनस 1 विच इज 0 आया आंसर। बात करते हैं LHL और RHL की, यहाँ पे भी आंसर 0 आता है या नहीं आता, तो देखो ये क्या बन रहा है, मेरे को पता है नेक्स्ट में एच टेंस टू 0 लगाऊंगा, मेथड ऑफ एच लगाऊंगा, एच लगाया मैंने, तो ये हो गया क्या 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस का 1। यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस एच की होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो मैं पावर 10 को तो ओपन करने से रहा, तब तो वो बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी और बहुत लंबा से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि एच की वैल्यू में 0 डाल देता तो कोई अनडिफाइंड फॉर्म बन नहीं रही, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करते ही 1 की पावर 10 माइनस 1 विच इज 0। यहाँ पे भी डायरेक्टली पुट करी तो 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 पुट करी, 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आया 1 आया बेटा। क्या ये तीनों आंसर इक्वल आए क्या, यहाँ से मेरे पास आंसर आया 0, यहाँ पे आंसर आया 1 और यहाँ पे आंसर आया 0। तो क्या बोलूंगा, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, क्या बात समझ में आई क्या, देख लो एक बार ध्यान से, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। हाँ, अब एक बात आप ये समझ सकते हो कि भाई 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन 1 के अलावा आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, 1 के अलावा आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। 1 के अलावा आप चाहे 2 ले लो, चाहे माइनस की तरफ माइनस 5 ले लो, माइनस 10 ले लो, है ना, या फिर प्लस 10 ले लो, प्लस 15 ले लो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होने वाला है, सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा। इतनी बात क्लियर है, देखो उसके अलावा हम आगे चलते हैं।
हम चलते हैं 14, 15, 16 में से एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हम कर लेते हैं बेटा 14, 14 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14, 14 में एफ एक्स दे रखा है थ्री एफ, जो एक्स की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इक्वल टू कोसाइन। 4f जो एक्स की वैल्यू है 1 से 3 के बीच में, एंड 5f 3 से लेके 10 के बीच में, ये आपको फंक्शन दे रखा है। और आपको ये बोला हुआ है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आपको पता है कि आप डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक कर सकते हो, वही चेक कर सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है बेटा जी? 0 पे 1 पे 3 पे और 10 पे। पर आप ये देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं 0 पे सही में इसकी लिमिट चेक कर सकता हूँ? क्या मैं 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है क्या? देखो ये फंक्शन डिफाइंड ही 0 से 10 के बीच। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, फॉर 0 to 10, 0 to 10 के लिए डिफाइंड है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उस पर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? कि 0 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे को पता ही नहीं, और 10 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन है मेरे को पता ही नहीं, है ना? क्योंकि जो 5 दे रखा है वो 3 से 10 के बीच में दे रखा है, लेकिन 10 प्लस के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो मैं कहाँ कहाँ चेक करूंगा फंक्शन की वैल्यू? एक तो 1 पे चेक करूंगा कंटिन्यूस है या नहीं, एक 3 पे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड में, मतलब 1 माइनस एच की वैल्यू भी डिफाइंड है, और 3 के देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू डिफाइंड है। तो जिस पे भी आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि वो फंक्शन वहाँ पे आपको एक डेफिनेशन तो दे रहा है क्या। 1 माइनस एच की डेफिनेशन है और 1 प्लस एच की भी डेफिनेशन है, ऐसे ही 3 माइनस एच की भी डेफिनेशन है और 3 प्लस एच की भी डेफिनेशन। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको 0 और 10 पे यहाँ पे चेक नहीं करना है। 0 और 10 पे नहीं करना, तो एक बार 1 पे या 3 पे चेक कर लेते हैं। तो एक बार 3 पे चेक कर लेते हैं, 1 तो इजीली हो ही जाएगा। तो लेट्स चेक, पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओ सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो वही सेम मेथड हमारा, क्या LHL, RHL और एफ ऑफ 3 पे। तो LHL की बात करता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 नेगेटिव एफ एक्स, और 3 नेगेटिव एफ एक्स के लिए कौन डिफाइंड है? 3 नेगेटिव मतलब 3 से जस्ट छोटा, तो आंसर क्या आएगा? 4। फिर यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 से जस्ट बड़ा, 3 से जस्ट बड़ा कौन सा डिफाइंड है? 5। यहाँ पे मेरे पास आ गया 5। अब देखो 3, तो 3 के लिए इक्वल टू का साइन कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। आंसर क्या रहा है? 5। डायरेक्टली आंसर क्या रहा है? 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 नेगेटिव पे आंसर क्या रहा है? 4। ठीक है, तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली लिमिट लगा दो, आंसर क्या आएगा? 4। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5। क्या बेटा तीनों इक्वल है क्या? तीनों इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। और हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो तीनों चीजें इक्वल होनी पड़ेगी। हाँ, अगर सिर्फ LHL और RHL इक्वल है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन वो क्या नहीं हो पाएगा? वो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें 3 पे तो क्या नहीं हो पाएगा? ये कंटिन्यूस हो नहीं पाएगा। अब 1 पे भी चेक कर सकते हो, तो ये 1 पे भी शायद कंटिन्यूस नहीं निकले, क्योंकि 1 माइनस एच पे वैल्यू आपको 3 मिलेगी, 1 प्लस पे एच पे आपको वैल्यू 4 मिलेगी, और ऐसे ही जब 1 पे चेक करूंगा तो भी वैल्यू मेरे को मिलेगी 3। इसीलिए ये 1 पे भी ना कंटिन्यूस हो पाएगा और ये 3 पे भी कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे आपको क्या पूछा हुआ है? आपको ए और बी में रिलेशन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड ड्रॉप करके क्वेश्चन नंबर 17 टाइप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया हुआ है, आपको एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है कुछ इस टाइप से कि ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है।
या इक्वल टू 3 है, और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये डिफाइन किया हुआ है। और आपको बोला हुआ है कि ए और बी की बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो ताकि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस हो जाए। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब 3 पे आपको क्या करनी है, इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है। तो उसके लिए ए और बी में कोई एक रिलेशन आएगा, तो वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए देखो, फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है, लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वही सेम मेथड क्या, LHL, RHL और f(3) पे। ये मेथड अभी तक हम इतनी बार यूज कर चुके हैं, आराम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो LHL पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब आप बताओ ध्यान से देख के, 3 नेगेटिव पे कौन सा फुलफिल हो रहा होगा, ax प्लस 1 फुलफिल हो रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax प्लस 1। अब बात करते हैं RHL की, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव पे कौन सा फॉलो हो रहा होगा, bx प्लस 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bx प्लस 3। और बात करता हूँ मैं f(3) की, f(3) पे देखो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ax प्लस 1 है तो a इंटू 3 प्लस 1, आंसर क्या आया 3a प्लस 1, ठीक। अब बात करता हूँ यहाँ की, है ना। तो देखो 3 नेगेटिव है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप अलग से देख पाओ। लिमिट एस टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ए के साथ में 3 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा सेम, लिमिट एस टेंड्स टू 0, बी के साथ में 3 प्लस एच प्लस 3। फर्दर सॉल्व करते हैं, एच की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3a प्लस 1। यहाँ पे आप एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3b प्लस का 3। देखो 3a प्लस 1 तो आ गया। अब आपको a और b के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इसको 3a प्लस 1 को और 3b प्लस 3 को। तो 3a प्लस 1 को मैंने इक्वेट करा 3b प्लस 3, 3a माइनस का 3b, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2। तो a माइनस b क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो ये a और b के बीच का रिलेशन है। अगर a माइनस b की वैल्यू 2/3 होती है तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 3। बात समझ में आई क्या, एक बार ध्यान से देख लो, a माइनस b की वैल्यू, या फिर मैं बोलना चाहूँ कि a की वैल्यू 2/3 प्लस b होगा, एक ही बात है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 प्लस b, दोनों ही हमारे आंसर्स। या तो इन दोनों का डिफरेंस 2/3 होना चाहिए, किसका, a माइनस b का, b माइनस a की बात नहीं कर रहा, a माइनस b 2/3 होना चाहिए या a इक्वल टू 2/3 प्लस b होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था, हम इस एक्सरसाइज को ही 5.1 को वापस कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे, ओके बेटा। ये आराम से आप ध्यान से करके बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो खुद से। थैंक यू बेटा।